कोटालीपुरी कमनी मलिक के शाम तक घरे को वापस रही हो हाँ। नहीं मान रही हो तो हमारा छोटा भाई कुंवर सिंह है, तुम उसके संग मेला आओ और शौक से मेला देखो। प्रणत कहो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि आपके छोटे भाई यानी कि मेरे देवर जी वो तो कॉलेज चले गए हैं। कॉलेज चले गए? हाँ। चलो खैर कोई बात नहीं, यदि हमारे छोटे भ्रात कुंवर सिंह कॉलेज गए तो तुम फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हम अभी अपने सिपेशलाद सेनापति करण सिंह को बॉर्डर पर से तुरंत तत्काल इसी वक्त फोन करके बुलवाते हैं और तुम उनके संग चली जाना राज दरबारी। देखो हमारे सिपे सैलाद सेनापति करण सिंह को राज्यसभा में पेश किया जाए। भैया फोन ला, जियो वाला मोबाइल ला, जियो वाला जाऊन दाई के रहा वो हिनकला का है। 91-98-99-35-75 भैया घंटी जाती है, ये नंबर न लगी मतलब दूसरा नंबर लगाओ। नंबर मैं बता रहा हूँ, नंबर बता, नंबर लगाओ 99-35। कौन नंबर आबे भैया, आबे बिल्कुल नर्वस लाए हूँ। 99-35 हागेश मोतेश नंबर आया, हागेश मोतेश डिब्बा भगाए दहेस, डिब्बा भगा दहेस, लगाओ नंबर। लग गया यार। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? ए हम कौन बोल रहे हैं? अरे तुम दरबारी बोल रहे हो यार? हाँ हम दरबारी बोल रही हैं। अबे बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। हाँ क्या बात है? बात ये है। क्या बात है? बात ये है कि महाराज। हाँ ठीक, बात ये है कि महाराज आपको रात दरबार में याद कर रहे हैं। ठीक है महाराज से बात करवाओ। ठीक, एक मिनट थोड़ा मोबाइल होल्ड कर दीजिए। महाराज जी की जय हो, खुश रहो। कहे दानवीर सम्राट क्या हुक्म है? सेनापति महाराज, सेनापति करण सिंह जी महाराज राज्यसभा में पेश हो। अवश्य महाराज, आपकी आज्ञा सराखों पर। महाराज नहीं पैसा चुक जाए भैया, काट दे पैसा ज्यादा नहीं। नहीं वही आ यार, तक कहे घबरा जल्दी आइए साहब। महाराज कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया कि जिसके लिए आपने सेनापति करण सिंह को बॉर्डर से बुलवा लिया? कारण जानना चाहते हो? अवश्य महाराज। सुनो, तुम्हें मालूम होना चाहिए सिपे सैलाज सेनापति करण सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज मणिपुर का मेला है।
जी महाराज। और तुम्हारी महारानी ने मेला देखने के लिए जिद ठान रखी है जी। और हमारे छोटे भ्रात कुंवर सिंह स्कूल गए हैं जी महाराज। तो हमने सोचा कि सेनापति करण सिंह को बॉर्डर पर से बुलाकर लिया जाए और शौक से सब लोग जाओ मणिपुर का मेला देखो और सूर्य अस्त होने के पहले राजमहल वापस आ जाना है, इसीलिए तुमको बुलाया गया है। चानी महारानी जी को मणिपुर का मेला दिखाने ले जाना है। हाँ सेनापति। अवश्य महाराज, आज की आज्ञा शराखों पे होगी। और विराजिए महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। कहो। घुमाकर हवेली में हाजिर कर देगा। हम तुमसे यही उम्मीद चाहते हैं सेनापति करण सिंह। महाराज कहो। महाराज हम आओ का इजाजत दे देव। ठीक है, तुम्हारे लिए भी इजाजत है। सागर आए, कहाँ जाना तुम्हें? अब आओ मेला चला। अबे मेले जाएगा और ये क्या लेके रखा है? ये मजाना थकाया है। क्या है? हम अपन दुकान खोलबे, सामान बेचबे। ओ अब समझ में आई बात। ये देखो छिकरियो आएगा। छिकरिया क्यों? ये विशाख खाना की दुकान लगावत है। लाली लिबेटी कुसनू घुसनू पाउडर उसकी मुस्का। अरे तो तुम लोगों को दुकान लगानी थी तो कम से कम पहले जाना चाहिए था। अरे हाँ पहले जाओ, मड़ाई भीड़ में सामान चुरा लिया था। इन ताम में जाइबे अकेले में ससु का बेच ले तुरंत भाग जाऊबे। तो ठीक है चलो तुम लोग पहुंचो मेले। हाँ। और अपनी अपनी दुकान लगाओ। ठीक ठीक। और हम महारानी जी व इनकी समस्त सहेलियों को लेकर मेले पहुँच रहे हैं। चटकी युवा का मोरे साथ भेज दे। नहीं नहीं, हम सबको एक साथ लेकर वही मेले में मुलाकात करेंगे। छट की वो मोरे लगे रही है तो मोर सौदा जल्दी बिक जाए। प्रिय कमला जाओ अपने दासियों को साथ में ले लो। ठीक है प्राणनाथ। और शौक से मेला देखो, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए और सूर्य अस्त होने के पहले महल वापस आ जाना है। जैसे अगर प्रणत जाओ महाराज, बुला लो अपनी सभी सहेलियों को और इसके बाद हम लोग मेले के लिए तैयारी करते हैं। दासी दरबारी, तुम भी चल रहे हो मेला? हम बहुत जाई थी। पैसा है? ओए पैसा तो नहीं है, खाली एक दो रुपया डाए हूँ। ये वो ले लो पैसा। मो साढ़ू वही जाना थे कि साढ़ू मोर पैसा से कमजोर है। चलो ठीक, भगवान करे साढ़ुआन के दूठो लड़का हो। दासी, एक दासी कहाँ चली गई?
जाती हो? इतनी नीक नीक दासी है यार, कसम से ससुर दुकान खोले का मोह मन नहीं करत। आओ चखी मेरे की ओर चलो। महारानी जी कहीं मजा नहीं आ रहा है ऐसे? क्यों? सब कुछ सूना सूना लग रहा है। कुछ कहते हुए चले महारानी जी तो अच्छा लगेगा, ठीक है, और रास्ता भी कट जाएगा। अरे रंग रंग के फूल खिले, अरे कोई भाई कोई रंग ना, अरे अभी आन मिलो सजना, आन मिलो।
सरदार जी इतने टाइम तुम जाना था कि होली का पीरियड है, घर घर में दारू चुग गए। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो देखो आज मजा तो बुधैया के घरे न कहीं सही तई कोई बचाए हो तो ठीक है। कहते हैं नाठ ना उठे तो बुकरा कट गए, कहो सब वही मसारे का पिदायल हो। लेकिन देखो जात हो के लगे जाऊं भदाइया के लगे जाऊं, कैसे बहु बनावत है। कसो भदई भैयो हो, ओ भदई भैयो आई कौन है लाल माइका लागत दाई हरे यही काया आई लाल तुम का कहते हैं तुम कहे हो नहीं उद चलता दाई यही की को वही आय भौजी हरे यही भौजी। हां नमस्ते नमस्ते ताई के दाई ना देव का जा ले यार दे कोती हो को जा भौजी। हां आज भैया घर में नहीं नहीं का भैया नहीं नहीं आ कुसली को गोठा होई हां कुसली भैया मछरी मारे गए हैं तोरा तो मोह भौजी ओहिन ता की बात करा करा थो भौजी। हां मैं कहा दाई देते तो चला जाते हो कुछ बोली हो अरे तुम तो जब देखो भाऊजी गारिन दे आवो करो तुम वही तान की बात है कर करते भाई। अरे मैं कहा वही पौवा भर दई देती हो तो का? दारू ले आए अरे भाईया पी है अरे भाईया तो रोज पिया थे आज भैया आज भैया मछरी मारे गए हैं तो वही पी है वही से उनका धारे। अरे तो भैया तो रोज पिया थे आज महिका ना पिया दे अरे तुम ना पिया करो लागत मत तुम्हारा दारू का कब हो पिए हो का इतनी अच्छी नहीं देती वो। अरे फीका है कंचो दारू ही आया हुआ तो काले आया हुआ। अरे मैं खाली बहाना यार ढूंढना कर रहा था कि तुम्हारे लिए कौन तांस मिल ले आऊं। अच्छा ये कहाँ मिले खातिर आया हुआ। अरे दाई दे आओ ना खरा ना करो कहाँ रोज रोज आवा थू मैं ले। अरे एक बोतल भरी हो मैं भैया पी है और उनके दो तीन थे बेउहारी हैं। अरे व्यवहार इनका न पिया हुआ करो। अरे फागुई यही तुम जानते भाई तो कहीं मैं फिरी ले आवा करो थोका। अरे फिरी तो नहीं ले आते लाला बताओ मैं तुम कर दे तो अपन गत कर आइयो कहा भाइया से। अरे उन्हें गत करी है कुछ न बोली है मैं उनका समझा दे हूँ जब मिली है आई है न कहा पहन तो गला उलीच के। अरे अब तुम हो दाई दे भाऊजी हो इसे फागोई का त्योहार की बात या नहीं तो कहाँ आते देखो। अच्छा भाइया से चोरा के आ देते मैं एक बोतल ले ना का रुपया की है भाऊजी 500 की है। अरे हटावा कम करो। अरे कंचो दाऊ अब इतनी अब उनके व्यवहारी आई है अब यही से मैं तुमका दे आ देते मैं अब उनके बारे फिर अब बहन उतारी हूँ। ऐसा करो अच्छी वाली दियो। अरे मैं चाटा तो नहीं हूँ। अरे मैं कहते ताई के चेक कई ले आवा करो कतो कतो। अरे तुम हूँ कोई तान की बात करते कौन मैं पिया तो कहा जाऊँ चेक कई ले आवा करो। अच्छा ला दे आवे एक बोतल आओ भौजी। हाँ देखो अगर काल विचार बनी तो काल हो अंजो भला। ए यहाँ रोज कौन धंधा नहीं मैं खोले हैं कि रोज ही ना तुमका आज दे दे तो परसों फिर लाई गए भाई यही तान महीना 15 दिन में आवत ले अब फिर काल फिर आइयो। अरे तो महीने महीने काल आइयो तो बाहर धारा है। अरे यार इंता ना करो यार उल्टा सी ना बोलो दे दे लाओ पैसा वा तो लाओ पैसा वा लाओ। कई रुपया भौजी दे का है 500 रुपया 500 रुपया से को काम न ले आप भौजी। तुम तो जाना थो कि मैं रोज आवत हूँ है ना। अरे चाहे रोज आओ चाहे आज भर आओ ऐसा करो भौजी। हाँ तुम्हार महीना चलुए न काहे का। अरे जब महीना बंद हो जाए अपन हिसाब ले लियो। तुम्हारे बहनी के तो महीना चालू होई। अरे यार तो महू भौजी उल्टा से कहे जब मैं उधार ले जात हूँ तारीख म तारीख मोल लिखती नहीं नहीं का। अरे मैं कौन पढ़े हैं का बहन चौदह तुम दुनिया की बकचोदी करा करते हो। माँ पहले देखो किताब में देखो मोहन नाम लिखा है कि नहीं ओ मैं लिखा है। अरे मैं नहीं जानते तुम्हारे भाई तुम्हारे जीजा जितने लिखे हो वही जानी है। अरे भाऊजी मैं कौन गलत नहीं कहता हूँ जब महीना तुम्हारा पूर हो जाए ले ली हूँ पर हिसाब कर ली हूँ। या महीना गैर महीना मई का ना कहा नहीं जानते कुछ मई का पैसा चाहिए।
अरे भौजी तुम वहां 8 रुपया डाक लाए हैं। 8 रुपया लाए कि काइन गाड़ी में भर ले 8 रुपया। अरे यार इनता न कह ले मोबाइल से अरे कमो गिरवी धई ले। जब मैं पैसा दई जाओ तो तुम मोर मोबाइल दी हो। लाओ लाओ मोबाइल दे। मगर ये सिम बहुत अटपट पड़ी है। कौन अटपट पड़ी? कौन सिम है ये? मैं सिम छिनारा पड़ी। ए कंचोला, अबे भैया ता साले दारू के चक्कर में मोर मोबाइल कहने रखे दे था। कौन सी माय पारी है? अरे भाऊजी अभी तक जा यार मामला दूसर से ठोई रहा था, समझ नहीं रहे। लेकिन मोबाइल न धरी भाई लौड़ी बाजी चक्कर में घबरा न यार। देख भाई वो मोह में बहुत ये और को वही का। अरे वहा बचाइए पास ही आठाड़ है। आए मारो ला तीन का ई काले आए तुम्हारे लाते। बात यह है भौजी ये ससुर कहा तताई के महू का दाई दे। अरे इनका पेशाब का कुल्ला में करा नहीं बहन चौदह का वही तो महू का। अच्छा ठीक है भौजी मोबाइल ले ले हो आई 10 रुपया ले ले हो। आओ भौजी ए एक आई सुनो तुम मोबाइलो अपन धरे रहा हे का कहते 10 रुपया धरे रहो। अरे यार भौजी देखो अंधेरे उंजेरे बहुत जरूरत पर तो मिसकाल मार दे वकी। पर तुम मोर कहत नहीं करते बा बहन चोदाऊ का करो तुम्हार मत पिया यार जल्दी का करा धन लिपी ले सैलसो नहीं तो मना करा थो कि रुक जा मामला दूसर सेट होई रहा है। लपल 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 लपर करा था। ए भाई सेट कर ले जल्दी सेट कर ले महू को बताई। जा 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 मैं सेट करा थो भौजी। हां अच्छा बताओ तुम्हार कहा का करे का है? अरे तुमका परसों बुला रहा है, परसों नहीं आएगा कहीं से खटिया पीना आवे कर रहा है। देख काहे मोरे ना आवे मो तुम्हारा और चावन टूट जा थी का। अरे तुम्हारे आवे में नहीं टूटती है भैया तोड़ा रहना आए दारू पी के अब नहाते रहा मैं के वही मल्ला के गिर गए तब ही ना टूटी गए तब तो पेल के फगुई ख्याल थे रंग लगुआ हुआ थो आज तक माई से न लगुआ। तुम्हारे गांड में दामो है लगावे किरण? तुम वो वाला रंग थोड़े लगावत हो मैं उजर कावा लगावत हो। उजर कावा नहीं हम लगवाई था। हाँ अच्छा धारो ल्याओ ले लाई जाए खो तो। अच्छा ठीक है भाऊजी काल में फिर आएंगे दोपहरी हम भल दोपहरिया में नया घाम एतान का हुआ तो लू के तान की चलत ही गए। अरे भाऊजी मैं लोग का खुद लुकाए रहा था। ए देखो जाने का तुम्हारा भैया आ गए कहाँ है भैया आवा थे का? नहीं आपे तो नहीं देखा। ऐसा करो तुम भौजी छुपे भीतर घुस जाओ। नोबे देखो सार मई का लागा तो घुसा भाई ठका यार ये सार अकेले तू अकेले गति न कर रहे कौन बे भैया राम 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 राम। अरे मैं ही हूँ। अरे मले यार हटा के तुम तो जाना तो भैया का तो कतो आ जा। अबे कितनी बार समझाया जब घर पे हम रहा करे तभी आया करो। अरे भैया यार अब बताओ अकेले दुकेले अब तुम चले जाते कहियो कही तो महीना अपन चला आवो तो जब मन हो था बात जब तुम आइयो तो भाई नहीं छोड़ो हटा दे अबर यहीं आगे तो तुम ना ज्यादा चिल्ला दे तो यही तो चिल्ला दे तो फिर आवत नहीं नहीं दोबारा कैसे कौन तरह की बात हो। अबे अबे काल का तो पहला का ढीड़े करा तब बुला लियो रहा है तुम ऐसी बात का ही देखे है। अबे इनता भौजी का ये तो मैं आई वो ना करी। ए हाँ अरे बात बनावे को खातिर बहन चोद भौजी ये कहीं सुन ले हो बगल में बैठ अगर मोरो पीठ लाल कही दे तुम्हारा तो लाल है कही दे। अब मोरो सुन ले अगर इनता भैया डटिए ना तो 100 नंबर बुला के टीना सहित थाने में भेजवा दे। पुलिया के तारे मिले तुम ले उड़ी था बात है बहन चोदा हुआ। अरे तो महो भाऊजी तुम्हारे मोह में गाड़ी धरी रहा थी क्या? अब मैं तुम्हारे दीदी का गाड़ी यहाँ पे तुम का छर छर आई। चलो अच्छा ठीक है मजात हुआ हुआ।
सरदार जी जय भवानी जय भवानी। ओ आ गई आ गई, शराब लेकर आ गया, आ गए शराब है, कहा है यह है। बहुत चालाक है, बात ना समझ हो, हुसैनगंज थाना की बहुत होशियार है, थाना में पुलिस जितनी थाने की पुलिस ही सब होली का टाइम है, सब समान ले हाईवे पर समान ले कर्फ्यू लगाए हैं, हम अगर एक लाइके खुला या उते हो जो मही का पा जाते तो कहते कसो महिमान, समय चुप्पे लुका के आला है, तुझ पे नाज है शत्रा सिंह, देखो ये तुझ पे नाज है। अरे सरदार जी जानता कत्ते जाब लाए हो कि एक बार पिल हो तो दार दार मंगाई हो, अब महीन से मंगाई हो, शत्रा सिंह हाँ। और मान सिंह आओ 18 सिंह, आज मौसम के मुताबिक हाँ। शराब भी रंगीन है, और शत्रा सिंह ला ला मेरे हाथों में रंगीन बोतल जाम की, और पहले लग जाने दे फिर बातें करेंगे। ले 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 मुंह से पियो, मुंह से तू कहां से पिएगा, ठहरो सरदार जी पहले दारू को इसको पिलाओ, कोई भरोसा नहीं कहीं इसने जहर ना मिला दिया हो। नहीं मानसिंह, दुनिया को धोखा दे सकता है लेकिन ये 16 सिंह को कभी धोखा नहीं दे सकता, ठीक हमें विश्वास है, पहले इसी को पिलाओ, हम तो कहते हैं अगर तेरी जिद है तो ठीक है शेले, और पिला शेले को पहले ताकि तुझ में भी विश्वास आ जाए। अगर इसने जहर मिलाया हो तो पहले साले तू मरेगा, तेरा परिवार नाश होगा, हम लोगों का परिवार नहीं नाश होना चाहिए। सार बड़े होशियार है, देखो सोचा थे मरे तो ये सार 17 मारे, लेकिन इनका यह पता नहीं ना कि 17 सिंह औ हरामी है। क्या सोच रहा है यार, जिंदगी में पहली बार पिए जाई थी सरदार जी, कहते दारू पी लिया था आदमी तो मुहे से अंड बंड निकरा करा था, मगर यार चलो ठीक है आ जा तो दारू रही आ तो महीन रही, मगर यार कहते दारू पिए में खोपरी चिटिक जाती, हाँ कहते ज्यादा नशा हो जाता तो खोपरी चिटिक जाती, पहले खोपरी बांध ले जो ससो नसियाने में चिटिक जाए। दारू आप तहिन कपी के घर में हो उतारू चढ़ ले, जहां तक तोर इच्छा हो वहां तक चढ़ ले, और जब थक जाए तो मई से बताए मत तोर ऊपर चढ़ ले, आ तोर कसम या दारू आज अपन दिखाया औकात, रुक जा सारे तो ही कन दे हाँ। चाह जे तचिल्ला जो सांचन महू कदाई दे तो ही कन दे हाँ, एक बूंद बहुत दिन मत मिली है। अरे ये ससुरी महू जांच कती हो क्या करता है, मैं क्या लागत है मखा दही मिला देसी का, हाँ